नमस्कार। पेरिस 2024 ओलंपिक्स की तमाम अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, महावीर रावत। और आज बहुत सारी अच्छी खबरें भारत के लिए आई हैं, चाहे वो बॉक्सिंग से हो, महिला बॉक्सिंग, या फिर बैडमिंटन से हो। अगर बैडमिंटन की अगर बात करें तो पीवी सिंधु ने शुरुआत तो की, बहुत अच्छा उनका मुकाबला रहा और वो बड़ी आसानी से जो है वो अपना ग्रुप मुकाबला जीत गई है। पीवी सिंधु ने क्रिस्टिना कुबा को हराया है 21-5, 21-10, और ऐसा लगा ही नहीं कि कोई उन्हें ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन उसके बाद जो असली मुकाबले हुए हैं उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। खासकर अगर हम लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन यहाँ पर मुकाबला कर रहे थे कि जो थर्ड सीडेड हैं जॉसन क्रिस्टी, और अगर आप थर्ड सीडेड को हरा देते हैं तो आप समझ जाइए कि आप कितने अच्छे फॉर्म में हैं। 21-18, 21-12 के साथ लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। लेकिन अब समस्या ये है कि उनका मुकाबला किससे होगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले HS प्रणॉय का जो मुकाबला है वो हुआ है ली फाट ड्यू वियतनाम से, और यहाँ पर पहला गेम हारने के बाद 16-21 के बाद 21-11, 21-12 HS प्रणॉय ने ज़बरदस्त वापसी की, और जो उनकी रिकवरी रही वो कई मायनों में बहुत ही शानदार रही। उन्हें अपने स्ट्रोक्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, और अब हुआ ये है कि प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य का मुकाबला HS प्रणॉय से होगा। लेकिन भारत का एक खिलाड़ी आगे जाएगा और एक वहीं रुक जाएगा। बॉक्सिंग की अगर हम बात करें, लवलीना बोहरगोहेन विमेन बॉक्सिंग से हमें यहां पर मेडल की उम्मीद है, चाहे वो निखत जरीन हो या फिर लवलीना बोहरगोहेन हो। 5-0 से आज उन्होंने बड़ी आसानी से अपना मुकाबला जीता। शूटिंग की अगर हम बात करें तो शूटिंग में भी इस समय जो भी मेडल आए हैं भारत के, वो तमाम शूटिंग से ही आए हैं और अभी भी शूटिंग पे ही हमें भरोसा है। स्वप्निल कुसले 7वें नंबर पर रहे हैं शूटिंग 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन में, वो तो फाइनल खेलेंगे। लेकिन ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो 11वें नंबर पर रहे वो फाइनल नहीं खेलेंगे। अब बात है आर्चरी की, दीपिका कुमारी। जब से हम खेल को जान रहे हैं तब से दीपिका कुमारी से बहुत उम्मीद है। आज उन्होंने राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 तमाम में जीत हासिल की। दीपिका कुमारी ने हराया क्विंटी रोफेन को, 6-2 से उनका मुकाबला रहा, वो जीत गई। लेकिन तरुणदीप रॉय जो कि पद्मश्री हैं और काफ़ी सालों से आर्चरी में भारत की उम्मीदें, कई सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लेकर गए हैं, वो हार गए हैं 6-4 से। काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा, लेकिन टॉम हॉल ग्रेट ब्रिटेन से वो जीते हैं और तरुणदीप रॉय हार गए। और टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो मनिका बत्रा बहुत अच्छी फॉर्म में थी, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन आज वो विश्व की नंबर एक खिलाड़ी सिंगापुर की मिया हिरानो से भिड़ गई। और कभी कभी होता है ना कि ड्रॉ आपके पक्ष में हो या नो, लेकिन 4-1 से जापान की मियो हिरानो ने उन्हें हराया और यहीं पर मनिका बत्रा का सफर खत्म हो गया। और अब एक नज़र डाल देते हैं फटाफट के, इस समय मेडल टैली क्या कहानी बयां कर रहा है।